हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन एकेडमी पर ठीक है आज फिर से बारिश के कश हो रही है क्या चलिए पर हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है सारी चीज़ें आप लोग तैयारी करते रहिए साथ साथ में और आगे बढ़ते रहिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ठीक है चलिए खाते रहिए पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जियोलॉजिकल डिजास्टर निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से क्या Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल डिजास्टर निम्नलिखित में से क्या भू भैरी आपदा नहीं है ज्वालामुखी अर्थक्वेक समुद्री लहर या फिर सुनामी ठीक है मतलब जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उनकी वजह से जो क्या हो रहा है हमें आपदाएं आ रही है तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो जियोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है ठीक है जो अर्थ की वजह से नहीं हो रहा है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा समुद्री लहर ये एक आपदा नहीं है ठीक है ये क्या है कि आपदा नहीं है समुद्री लहर ठीक है क्लियर है क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा As well as निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव मल के साथ साथ अन्य पशुओं के मल से भी होता है टाइफाइड एड्स निमोनिया या टिबर बताएगा कोई एड्स का वायरस का नाम क्या है हमारे पास एच आई वी बताया था मैंने क्या वायरस का नाम है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्लियर है तो हमारे इसका सही सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो क्या होता है हमें मानव मल के साथ साथ अन्य पशुओं के मल से भी होता है तो उसका सही ऑप्शन क्या है टाइफाइड कंटामिनेटेड दूषित पानी दूषित फूड ये सब आप पी लेते हो इनसे क्या होता है हमें टाइफाइड निमोनिया में क्या होता है लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और ट्यूबरकुलोसिस यक्षमा टीबी उसमें भी क्या होता है हमारे लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ नोडूल्स आर दार्ट ऑफ इनमें से गुत्ती गठन का अंग है किसका फ्लावर रूट लीव दताया था रूट नोडूल्स नोडुल्स क्या होते हैं हमने ऐसे प्लांट्स पढ़े थे कैसे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी जो रूट्स है ये हमारा प्लांट है प्लांट की रूट्स में क्या था इस टाइप से गठाने थी मैंने बताया था और इन्हीं गठानों को हम लोग क्या बोल रहे थे रूट नोड्यूल्स इनको क्या बोल रहे थे रूट नोड्यूल्स तो ये जो रूट नोड्यूल्स रहते हैं ये किस काम में आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आते हैं किस चीज के काम में आते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहता है जो प्लांट्स डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं कर पाते सॉइल से यहाँ पर सॉइल है तो प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते एटमॉस्फेयर से तो वो क्या करते हैं ये जो रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरियाज रहते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में लाइक अमोनिया नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स कंपाउंड में नाइट्रोजन के कंपाउंड में नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं और उन कंपाउंड्स को सॉइल क्या करती है एब्जॉर्ब करती है और वो प्लांट ले लेता है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स में ठीक है मैंने बताया था और ये रूट नॉड्यूल्स हमें कैसे प्लांट्स में पाई जाती है कैसे प्लांट्स में पाए जाते हैं नोड्यूल्स फली वाले प्लांट्स में कैसे वाले में फली वाले में ठीक तो 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 है, है तो हमसे यहाँ पूछ रहे हैं नोड्यूल्स आते पार्ट ऑफ ये दूड्यूल्स कहाँ होते हैं फ्लावर में रूट्स में लीव्स में स्टेम्स में तो बोलते ही रूट नोड्यूल्स है तो कहाँ मिलते हैं हमें जड़ों में इनका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास बी रूट्स क्लियर है चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा

तो वो वाले जो क्लॉक है उस मटेरियल से जो बनी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्वार्ट्स क्लॉक क्लियर है ये नेक्स्ट है सन ठीक है तो हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है स्टडी ऑफ शेडो ऑफ सन तो उससे उस उस पर कौन आधारित है उस पर कौन वर्क करता है इसका तो सही ऑप्शन क्या जाएगा सन डायल सिंपल पेंडुलम क्या है पेंडुलम हमारे पास ये होता है इस तरीके से मूवमेंट करता है तो कितने नंबर ऑफ ऑसोलेन कितने टाइम में रिपीट कर रहा है तो इस पेंडुलम इसको हम बोलते हैं पेंडुलम ठीक है पेंडुलम ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजिशन पर ठीक क्लियर है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा सी सन डाइल क्लियर है चलिए आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा

which one of the following is not spread edes mosquito ne lekin तो से कौन एडीज़ मच्छर नहीं फैलाता? एडीज़ काफी फेमस मच्छर है ठीक है इतना मच्छर होने के बाद भी इतना फेमस होना बहुत बड़ी बात है ठीक है तो इसमें से कौन सा तो इसमें से कौन सा इसमें से एडीज़ mosquito है ऐसी कौन सी बीमारी वो नहीं फैलाता तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास जापानी मस्तिष्क को या फिर चिकनगुनिया पीला बुखार या डेंगू बुखार तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है ये तीनों हमें इसी से होते हैं किससे होते हैं सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ए जापानीज मस्तिष्कोष ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए क्लियर है क्लियर है इतना सभी को आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट टेबल सॉल्ट नमक टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एन एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच या फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, एल जो आप नमक खा रहे हो नमक 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 जो खा रहे हो उसका नाम तो पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है हमारे पास NaCl, जो हम ना, हम जो नमक खा रहे हैं उसका उसका कॉमन नेम क्या है सोडियम क्लोराइड क्लियर है चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा द मैग्नेटिक सबिलिटी इज मोर इन चुंबकीय प्रवृत्ति में अधिक इसमें अधिक होता है किसमें सॉफ्ट आयरन मर्क्यूरी कॉपर स्टील किसमें होता है मैग्नेटिक सबिलिटी क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति वो होती है जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो क्या करती है अट्रैक्ट करती है उसको इजीली तो सबसे ज्यादा किस चीज में होती है हमारे पास मर्क्यूरी में आयरन में कॉपर में स्टील में तो उसको सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ए सॉफ्ट आयरन क्लियर है ए सॉफ्ट आयरन चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इन द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट फॉरस्ट डॉजेड इन इंडिया भारत में पारंपरिक वन निकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था 2008, 2002, 2005, 2006 बताएगा कोई कब हुआ था ये लागू और ये एक्ट क्या है ये एक्ट हमें क्या बताता है कौन सा एक्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डे एक्ट ये एक्ट हमें बताता है यहाँ पर जो अन्य जनजाति के लोग रहते हैं वो जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके कुछ राइट्स के लिए ये लॉ बनाया गया था लॉ ये था कि वहाँ पर ये लोग इजीली रहेंगे इन पर कोई रोक टोक नहीं है ये वहाँ उसकी फॉरेस्ट की वन की क्या करेंगे अच्छे से क्या करेंगे देख करेंगे वहाँ का भोजन वहाँ से ले सकते हैं अपनी जो नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें उनको जरूरी है वो वहाँ से ले सकते हैं, धंधे के लिए नहीं कोई बिजनेस नहीं कर सकते लाइक पेड़ों को काट काट के कोई बिजनेस नहीं कर सकते ठीक है उन चीजों को वो लोग क्या करेंगे अपनी जीवन चरिया के लिए यूज करेंगे और इन रिटर्न क्या देंगे वो फॉरेस्ट को एक क्या देंगे प्रोटेक्शन देंगे प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन ठीक है ताकि उन्हें कोई काटे नहीं उनकी देखरेख करेंगे तो ये वाला एक्ट था उसके लिए ठीक है तो ये कब लागू हुआ था ये लागू हुआ था हमारे पास दो में क्लियर है इसका सही ऑप्शन क्या है डी दो क्लियर है क्लियर है इतना

ठीक है तो यहाँ पर क्या है पेट से जो भी पेट से रिलेटेड पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो होती है ठीक है क्लियर है उसको ये क्या करता है ट्रीट करता है तो ये कहाँ पर नहीं पाया जाता तो ये कहाँ नहीं पाया जाता वेस्ट बंगाल तमिलनाडु छत्तीसगढ़ तो सही ऑप्शन क्या है सी छत्तीसगढ़ में ये हमें नहीं मिलता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ

तो अगर हम यहाँ पर इसको क्या करें अंडर रूट ऑफ टू तो अंडर रूट ऑफ टू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1.4 तो हमारे पास ये पूछ रहे हैं मोलिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी तो इसका अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.4 क्लियर है 2.5 नहीं हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी b 1.4 क्लियर है क्लियर है आप सभी को चलिए अगला अगला प्रश्न है हमारे पास

पावर क्या होती है पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पावर इक्वल्स टू वन बाय एफ ठीक है अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस ठीक है बाय एफ तो ये क्या है हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस तो ये क्या है कॉन लेंस कौन सा लेंस है कॉन ये क्या है कॉन ये क्या है कॉनकेव ठीक है इस तरीके से सरफेस जो होती है वो कैसे होती है कॉनकेव ठीक है तो हमसे ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहे हैं हमसे ये है? जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसा है कन्वर्जिंग लेंस है इस तरीके से रेस क्या हो तो रही है एक जगह पे एकत्रित हो रही है ठीक है तो ये रूल है ये साइन कन्वेंशन है क्या साइन कन्वेंशन है जब भी आप लोग ठीक है ये क्या है इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं जब हम लोग इस लाइन से राइट साइड में कोई भी चीज इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फोकल लेंथ एफ तो अगर कोई भी राइट right साइड में बन रही तो ये कैसी होगी पॉजिटिव होगी और अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है अगर इस साइड होगी तो ये कैसी होगी नेगेटिव होगी तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय एफ तो ये कैसा है कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस तो इसमें पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी इक्वल्स टू वन बाय एफ तो ये क्या बोल रहे हैं पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव तो ये सही है एफ क्या है पॉजिटिव है तो ये बात क्या है सही है सेकंड पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कैसा है नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है हमारे पास ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब ये आ रही है रेस इस तरीके से जा रही है तो आगे तो इधर कहीं नहीं मिलेंगी तो अगर हम पीछे इनको एक पॉइंट पे मीट कराएंगे अगर हम इनको एक पॉइंट पे क्या करा देंगे मीट करा देंगे तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं एफ एफ फोकल लेंथ पर क्या हो जाएगी F. तो ये पीछे की साइड अगर ये राइट साइड में होती अगर ये इस साइड होती तो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती बट ये लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव मतलब ये माइनस एफ तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी पावर इक्वल्स टू वन बाय माइनस एफ क्लियर है पावर क्या हो जाएगी वन बाय माइनस एफ तो यही बोल रहे थे पावर ऑफ डाइवर्जिंग नेगेटिव तो ये बात भी हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या है सही है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ओनली टू नहीं केवल ओनली वन ये भी नहीं बोथ वन एंड टू दो और एक दोनों क्या है सही है तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा इसका सी बोथ वन एंड टू क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास वॉट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिररल एंड इरेक्ट इमेज ऐसा कौन सा मिरर है जो क्या हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट ऐसा कौन सा मिररर है जो हमारे पास कैसी इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो ऐसा कौन सा मिरर होता है ऐसा मिररर जो होता है उसका नाम क्या है कॉन्वेस मिररर कौन सा मिररर कॉन्वैेक्स मिररर अगर हम कॉन्वेक्स मिररर की बात करें किसकी बात करें अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की ये क्या है हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ रिफ्लेक्शन कर दिया तो अगर हम क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहा है डाइवर्जन शो कर रहा है ये क्या हो रहा है डाइवर्ट हो रहा है ठीक है तो अगर एक पॉइंट पे हम लोग इसको जाके मीट करवाते हैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जाके अगर ये मीट हो रहा है ठीक है तो ये जाके पीछे इमेज फॉर्म कर रहा है पीछे जब ये इमेज फॉर्म कर दी तो ये वाली जो इमेज है ये कैसी होती है वर्चुअल कैसी इमेज होती है वर्चुअल तो ये इमेज कैसी होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज क्लियर है कैसी इमेज है वर्चुअल अगर यहाँ पर ये पीछे हम लोग वाहनों को एक पीछे मीट करा रहे हैं तो ऐसी इमेज कैसी होती है वर्चुअल वर्चुअल मतलब नकली ठीक है और ये कैसी होती है इरेक्ट मतलब ऊपर की साइड बनी होती है इसी की जगह अगर इमेज यहाँ बनी होती इस साइड तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं रियल यहाँ जो इमेज बनती कैसी रियल रियल और उल्टी बनी होती इन्वर्टेड नीचे की साइड बनी होती है ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल स्फेरिकल मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है तो इस तो कौन सी है? तो ऐसी इमेज कौन बनाता है कैसी रियल एंड इनवर्टेड ठीक है सही बनाता है और इन्वर्ट उल्टी दिशा में बनाता है नीचे बनाता है ये लाइन के नीचे बनाएगा ये लाइन के ऊपर बनाएगा इमेज क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर द बिगेस्ट सोलर एनर्जी फिक्सेटर्स इनमें से सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फिक्से, फिक्सेटर कौन है कवर ग्रीन प्लांट्स प्रोटोसो बैक्टीरिया जो हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है उसको फिक्स करना उसको क्या करना बैलेंस करना सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कौन करता है उस चीज को हमसे ये पूछा गया कौन करता है पता होगा कौन ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे क्लियर है कौन करता है हरे पौधे चलिए आगे बढ़ते हैं लोकटक लिख मणिपुर वॉज इंक्लूडेड ऑन दी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड इन विच ईयर लोकटक झील मणिपुर के निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया उन्नीस सौ नाइनटी टू फोर या फिर 93 थ्री बताएगा कोई और ये मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड है क्या मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में क्या होता है जो हमारे पास मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड था मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में क्या था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हमने उन जगहों को लिया है जो वेटलैंड है जहाँ थोड़ा गीला वाला एरिया है ठीक है तो यहाँ स्पेशल एरिया है जिसको हमने इंक्लूड किया था उसमें क्या था हम लोग ये चीज़ देख रहे थे जहाँ पर मानव की वजह से हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे अगर कोई क्लाइमेट वहाँ पर चेंज आ रहा है उसको वो चीज़ ना हो फ्यूचर में ना हो तो उसको क्या है उसकी देख के लिए इस उनको ये लोकटक झील को उसमें क्या किया था शामिल किया था तो ये कब हुआ था हमारे पास कब हुआ था कोई बताएगा

सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है वन नैनोमीटर टू वन थाउजेंड नैनोमीटर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ठीक है जिस तरीके से जो, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन कोई भी घोल होता है घोल में दो चीजें होती है एक सोल्यूट होता है और एक और क्या होता है सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है किसमें ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं सोल्यूशन और इन दो को मिला के क्या बन रहा है हमारे पास सोल्यूशन इसी तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है ये कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें क्या होता है डिस्पर्ज फेस होता है मीडियम होता है तो डिस्पर्ज फेस क्या होता है ये ये जो होता है वो जो कम मात्रा में प्रेजेंट है ठीक है और जो dispersion मीडियम है ये क्या होता है जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में मतलब अगर देखा जाए तो ये क्या? Solvent है और ये क्या पास ये? Solute है तो हमसेडल सोल्यूशन है, है? जिसमें मतलब तो इसमें बता रखा है डिस्पर्जन मीडियम तो हमें दिया हुआ है पानी हमसे पूछा है फेस तो इसमें से डिस्पर्जन फेस क्या है सॉलिड बोथ एंड बी लिक्विड या फिर गैस तो इसमें फोम झाग में डिस्पर्शन फेज जो कम मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या है इनमें से बताइए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी गैस गैस क्या होती है हमारे पास डिस्पर्शन फेज क्लियर है चलिए अगला 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 क्वेश्चन है हमारे पास वॉट इज ए ब्लैक वाटर ब्लैक वाटर क्या है काला पानी क्या है इट इज अ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द टॉयलेट या शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल है बाथरूम का गंदा पानी रसोई के सिंक से निकलने वाला गंदा पानी है याद नदर... नदियों से छोया छोड़ा गया अपशिष्ट जल है तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इट इज ए ये क्या है वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट शौचालय से निकला गया गंदा पानी क्लियर है चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास द डिस्पोजल वेस्ट कंटेंट डिस्पोजल जेबल कचरे में शामिल है तरल पदार्थ स्लरी सॉलिड क्या इनमें से क्या है हमारे पास वेस्ट है बताइए डिस्पोजल वेस्ट कंटेंट उसमें सब कुछ हो सकता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही ऑप्शन इसका क्या है डी क्या है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और गलत का चयन कीजिए यूज वाटर इज अ वेस्ट वाटर विच कैन बी रिसाइकल पानी का उपयोग अपशिष्ट जल है जिसे पुनर् पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है या फिर सीवेज एक तरल अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण का कारण बनता है ये है, बात क्या है क्या है सही है गलत है हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में वो चीज़ याद रखना हमसे क्या पूछ रहा है गलत पूछ रहा है इनकरेक्ट वन ठीक है इनकरेक्ट पूछना है तो जो यूज वाटर है वो क्या हमने जो पानी एक बार यूज कर लिया वो कैसा बन गया वेस्ट वाटर बन गया ठीक है विच कैन बी रिसाइकल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिसाइकल करते हैं सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है जो क्या करता है वाटर पोल्यूशन नहीं सीवेज क्या कर रहा है वाटर पोल्यूशन कर रहा है क्या ठीक है सी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस ये भी बिल्कुल सही है वेस्ट वाटर इज फीडेड इन सी ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट वाटर को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं ट्रीट करते हैं तो क्या ये सही है बिल्कुल सही है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बात है इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बी क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कोबाल सिक्सटी इज कॉमनली यूज इन रेडिएशन थे मतौर पर कोबाल चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उस, उस उत्सर्जित करता है क्या करता है अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज या एक्स रेज सबसे पहले तो ये बताइए जो अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो क्या करता है अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करता है उसको हम क्या बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो हमसे पूछ रहा है कोबाल्ट सिक्सटी क्या पूछ रहे कोबाल सिक्सटी हम लोग रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वो क्या करता है गामा रेस को इमिट करता है और गामा रेस क्या करती है गामा रेस हेल्प करती है किसको जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूमर ट्यूमर अगर हम वो रेस के थ्रू डाल रहे हैं तो वो रेस से जो भी हमारा हम हमें चीज़ ब्रेक करनी है तोड़नी है वो क्या हो रही है डायरेक्ट टूट रही है क्या हो रही है जो वो सेल है सेल में क्या फॉर्म हो रहा है ट्यूमर गठान है वो क्या हो रही है डायरेक्ट टूट जा रही है कि रेडिएशन इतनी ज्यादा क्या होती है पावरफुल होती है उससे क्या हो रही, रही है, है। डायरेक्ट टूट रही है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं गामा रेस क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन मेक्स सब... अप हमारे में होती है नाइट्रोजन कितने जरा दो परसेंट नाइन एटी सेवेंटी एट बताइए कितने परसेंट होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमारे एनवाट में कितने परसेंट होती है सी सेवेंटी एट परसेंट कितनी होती है सेवेंटी एट परसेंट क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी देर रिस्पेक्टिव सोने और चांदी और को उनके संबंधित अयस्कों से निकाला जाता है बताइए रोस्टिंग हाइड्रोमेटलर्जी लीचिंग या फिर स्नेल्टिंग रोस्टिंग में क्या होता है हम लोग हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं ओर को गर्म करते हैं उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है हाइड्रो हाइड्रो का मतलब यहाँ पर क्या है पानी हाइड्रो मतलब पानी जहाँ भी वर्ड हाइड्रो आए एक्वा आए एक्वा वर्ड का मतलब भी क्या होता है पानी ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है पानी तो हम लोग पानी वाले मीडियम में क्या करते हैं किसी भी और को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर को जिसको तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हाइड्रो मेटेल क्लियर है ंग और क्या है सेकेंड स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग में भी क्या करते हैं हम लोग ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहां पर क्या रहता है प्रेजेंट रहता है क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हु कौन द टर्म बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द किसने दिया था लीनियस अरस्तु डार्विन या फिर लामार्क और चलो बताइए किसने दिया था बायोलॉजी शब्द बायोलॉजी शब्द किसने दिया था बायोलॉजी शब्द दिया था डी क्लियर है ये आपका सही ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ रिमूवल ऑफ ट्रीज कैन लीड टू पेड़ों को हटाने से क्या हो सकता है इरोजन ए फॉरेस्ट एंड वनीकरण रिड्यूसिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमारा क्या हो रहा है प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे ऐसा होगा अगर हम पेड़ लगाएंगे वो तो ज्यादा होंगे तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत क्वेश्चन अगर हम पेड़ों को हटाएंगे पेड़ों को कट करेंगे क्या है पेड़ों को हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या वनीकरण होगा फॉरेस्ट बढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा गलत ऑप्शन सेकंड कंट्रोलिंग ऑफ फ्लड्स बाढ़ पे क्या होगा रोकथाम लगेगी बिल्कुल भी नहीं और ज्यादा बाढ़ आएगी क्यों क्योंकि अगर पानी गिर रहा है वर्षा हो रही है और अगर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो वो ट्रीज है जो ट्रीज की रूट है जो हमारे पास पौधे हैं उनकी जो रूट है वो क्या होगी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और पकड़े रखेगी वहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या करेगी पकड़े रखेगी और उस मिट्टी में क्या रहेगा पानी रहेगा एब्जॉर्ब रहेगा अगर वहां पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं रहेगा पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा सब कुछ बेहतर चले जाएगा और क्या आएगी बाढ़ आएगी तो ये ऑप्शन भी क्या होगा गलत तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क्या होगा हमारे पास तो इसका सही ऑप्शन ट्री हटाने से क्या हो जाएगा सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन मतलब वहां पर पेड़ नहीं रहेंगे पेड़ नहीं रहेंगे तो उसकी जो रूट्स है वो वो क्या है मिट्टी को पकड़े रखी है अब पेड़ ही हट जाएंगे तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी क्या हो जाएगी बह के चली जाएगी क्लियर है क्या हो जाएगा हमारे पास मिट्टी का शरण क्लियर है है सही ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास ए इरोजन क्लियर है।, है हमारे पास वॉट प्रोसीजर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा के निर्माण में किस प्रक्रिया का परिणाम होता है डाइजेशन इससे क्या होता है हीट एनर्जी निकलती एक्सक्रीशन श्वसन या फिर परिसंचरण बताइए सर्कुलेशन किससे हमारे पास हीट एनर्जी निकलती है तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा जल्दी बताइए सही ऑप्शन तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास सी रेस्पिरेशन क्लियर है रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलती है हीट एनर्जी चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है हमें हेपेटाइटिस भी और कॉलेरा हैजा भी आप लोग क्या लेते हो दूषित फूड दूषित दूषित खाना दूषित पाना ले लेते हो लेकिन जो एड्स होता है एड्स कैसे होता है हमें एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो वायरस बताया था मैंने एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ठीक है एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है ह्यूमन इम्यूनोवायरस तो ये ऐसी डिसीज़ है जो किससे नहीं हो रही है पानी से होने वाली बीमारी नहीं है क्लियर है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी एड्स क्लियर है चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ में से कौन सी जायद की फसल है ओट्स लौकी तंबाकू या अरहर 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 को तुअर भी बोलते बहुत जगह है ना अरहर अरहर मतलब शायद भी होता है ठीक है तो पूछ रहा है यहाँ पर जायद की फसल है कौन सी है बताएगा कोई जायद की फसल देखा होगा तो कि इसका सही ऑप्शन क्या हमारे पास लौकी लौकी किसकी फसल है ये क्या ये कब हम लोग बोते हैं गर्मी के सीजन में किसके बीच में रबी बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में खरीफ के बीच में इसको हम लोग बोते हैं ठीक है लौकी बहुत सारे लोग मुंह बनाते हैं लौकी को देख के ठीक है लेकिन ऐसा नहीं करना है लौकी क्या है बहुत अच्छा अच्छी है अच्छा अच्छा रहता है इसका जूस भी अच्छा रहता है ठीक है तो ये क्या है जायद की फसल है क्लियर है और ये हम लोग कब बोलते हैं गर्मियों के सीजन में ठीक है गर्मी की फसल है ये क्लियर है चलिए आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल वर्षा को मापने को किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है एब्रोमीटर रेडियोमीटर रिफ्रे, रिफ्रेक्टोमीटर या फिर वर्षा मापक नाम में छुपा है वर्षा मापक इसमें क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्लियर गिवन है क्या पूछ रहे वर्षा मापक फिर भी बता दो तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा रेनगॉज रेनगॉज रेन से हम लोग क्या करते हैं वर्षा को मेजर करते क्लियर है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा रेनगॉज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एरोबिक बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन क्लोरिफाइड वाटर बाय एरो बैक्टीरिया को स्पष्ट पानी में किसके द्वारा उगाया जा सकता है ठीक है किसके द्वारा उगाया जा सकता है सबसे पहले तो समझिए एरोबिक क्या होता है एरोबिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी नंबर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं किसकी प्रेजेंस में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एरोबिक और एन एरोबिक एनरोबिक क्या होते हैं बैक्टीरिया इन ऑफ जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये लोग क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये लोग क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं ठीक है तो हमसे ये क्या पूछ रहा है एरोबिक बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन क्लैरिफाइड वाटर बाय बताइए सेडिमेंटेशन में सीवेज में एरिएशन में या फिल्ट्रेशन में हम लोग किस प्रोसेस से एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करा सकते हैं ग्रो करा सकते हैं तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा एरिएशन एरिएशन मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं एयर दे एयर में क्या होता है ओटू ओटू मिलेगा तो एरोबिक जो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है वो इजिली क्या कर पाएगा ग्रो कर पाएगा क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास हु डिस्कवर्ड द हुट्रॉन जेजे थॉमसन यूजिन गोल्डस्टीन चैडविक या नील बोहर बोहर ने क्या दी थी बोहर एटॉमिक मॉडल चैडविक ने क्या दिया था न्यूट्रॉन चैडविक ने क्या बताया था हमें न्यूट्रॉन किसकी डिस्कवरी करी थी चैडविक ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और इसकी किसने करी थी गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी करी थी और जे जे थॉम्सन तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास किसने करी थी जे थॉम्पसन ने क्लियर है किसने करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉम्सन क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज रिसाइकल्ड पेपर बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स पुनर्विनीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है बिकॉज इट क्रिएट कंटामिनेशन क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करता है बिकॉज पेपर कैन बी यूज ऑनली वन टाइम क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है या फिर क्योंकि ये बहुत सी जगह बनाता है बहुत सी जगह बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेस अच्छा बहुत सारी जगह घेरता है या फिर बिकॉज पेपर इज़ वेरी थिक एंड कांट कवर द फूड क्योंकि क्योंकि कागज बहुत मोटा है और खाद्य कंटेनरों को ढक सकता है ढक नहीं सकता है क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हमारे पास सी ठीक कैसे होगा भाई इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिकॉज इट क्रिएट कंटामिनेशन ये क्या करता है प्रदूषण फैलाता है इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं फूड के कंटेनर्स में यूज नहीं करते क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास The post office box was on the principle of post office box. वो post office डाकिया डाक लाया वो वाला नहीं post office box है ओके okay, सी पहले वाले का था ओके okay, ठीक है good, very good. ठीक है तो ये जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स है डाकिया डाक लाया वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं ये कौन सा फिजिक्स वाला पूछ रहा है हमसे बॉक्स ठीक है तो ये पूछ रहा है इसका सही ऑप्शन क्या बताएगा सी पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मीटर क्या मेजर करता है पोटेंशियल मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वी ठीक है v, एक मैटर वेव ओम मीटर ओम मीटर क्या करता है रेजिस्टेंस ठीक है तो ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपने एक विट स्ट्रोन विट स्ट्रोन ब्रिज सुना होगा क्या सुना होगा विट स्ट्रोन ब्रिज ठीक है तो उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं रेजिस्टेंस हमें चार रेजिस्टेंस गिवन होते हैं इस टाइप से क्या होता है हमें आर हाँ फोर तो हम लोगों को एक नहीं पता होता है एक अननोन रेजिस्टेंस रहता है तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं मीटर ब्रिज के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं रेजिस्टेंस तो इसको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा किसी कॉइल में ये क्या है हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही प्रिंसि ये यूज किस में होता है फिजिक्स में तो हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं क्या रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस किसी भी कॉइल का तो वो किससे करते हैं मीटर ब्रिज से क्लियर है ओम मीटर oh, से भी हम लोग रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं क्लियर है क्या फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ना द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है हवा में कितनी बताएगा कोई कितनी कितनी है कितनी है सी ट्वेंटी वन परसेंट और जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट क्लियर है अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम फॉर कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ पदार्थ के नियंत्रित जैविक अपघटन का क्या नाम है बताएगा कोई नियंत्रण जैविक अपघटन का क्या नाम है कंपोस्टिंग खाद बनाना सैनिटरी लैंडफिल सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है हम लोग कचरा डाल देते हैं जमीन में पायरोलाइसिस या फिर भस्मीकरण ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये बोल रहा है कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कार्बनिक पदार्थ के नियंत्रण जैविक अवघटन हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं और हम लोग खाद बना रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कंपोस्टिंग ठीक है तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा ए कंपोस्टिंग क्लियर है चलिए अगला प्रश्न हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ लेंथ लेंथ की क्या यूनिट होती है बताएगा कोई लेंथ लंबाई लंबाई को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जिस तरीके से मास को यू मास बताई दिया दिख रहा है मास को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है किलोग्राम तो ये तो गलत चले गया सेकंड सेकेंड किस सेकेंड के लिए क्या यूज कर सेकेंड किसके लिए यूज होता है टाइम टाइम के लिए क्या यूज होता है सेकेंड ठीक है जूल जूल किससे रिलेटेड है एनर्जी को आप फाइंड आउट करते हो किसमें जूल में किसमें एनर्जी किस को जूल में और लेंथ लेंथ को आप लोग मेजर करते हो किसमें मीटर में किसको मेजर करते हो लेंथ में तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए मीटर मीटर किसकी यूनिट है हमारे पास लेंथ की क्लियर है किसकी यूनिट है लेंथ की चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिक प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिक प्लास्टिक से बने हैं ठीक है बॉटल्स हैंडबैग शूज या स्विचेस ठीक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो क्या करता है जो बहुत हार्ड होता है आपने आपने देखा होगा जो कुकर का हत्ता होता है वो कुकर कितना ज्यादा गर्म हो जाता है फिर भी वो प्लास्टिक पिघलता नहीं है तो वो जिस पॉलीमर से बनता है उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती बहुत है बहुत हार्ड कैसा होता है बहुत हार्ड वाला प्लास्टिक होता है बहुत हार्ड ठीक है कैसा होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसको बोलते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ये किससे बनता है बेकेलाइट बेकेलाइट आपके जो कुकर के हत्ते होते हैं वो किससे बनते हैं बेकेलाइट आप लोगों ने सुना होगा ठीक है तो यहाँ पर कौन सा है बॉटल्स भी पिघल जाती हाई टेम्परेचर पे हैंड बैग जूते ये सब क्या हो जाता खत्म हो जाते तो कौन नहीं स्विचेस था कि अगर बहुत ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है तब भी ये बना रहे तो वो किससे बना है हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ठोस कचरे को जलाने की अनुशंका नहीं की जाती है देखा होगा मुझे तो नहीं पता कौन बोलता है लेकिन आपको बोलना चाहिए क्योंकि नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कुछ भी लोग अगर कचरा इकट्ठा होता है जाके घर के बाहर कोने में जला देते कचरा खत्म लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ये बहुत गलत चीज़ है ठीक है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो ये पूछ रही है क्यों नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट रिक्वायर्स मार्म इट रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके लिए आधुनिक तकनीकों तकनीकों की आवश्यकता है ऐसा कुछ है क्या नहीं है हमारे घर वाले जाके इसको जला देते तो कोई मॉडर्न टेक्निक की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल गलत ठीक है कोई मॉडर्न टेक्निक की क्या है जरूरत नहीं है फर्स्ट गलत इट इज वेरी कॉस्टली आप जाके कचरे में आग लगा रहे हो क्या है महंगा है महंगा होता तो, तो घर वाले ऐसा काम करते ही नहीं बहुत बार कर देते हैं ठीक है तो क्या है ये क्या है इट इज वेरी कॉस्टली ऐसा भी नहीं है थर्ड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस इसके लिए बहुत सारी जगह लगती है ऐसा कुछ है क्या नहीं है बिल्कुल भी जगह नहीं है तो ये भी क्या है गलत डी एगी बचरा तो यही सही होगा क्या है इट कॉसेज सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज जब आप किसी भी कचरे को जला रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है इन्वामेंट में हार्मफुल गैसेस जो क्या कर रही है हमें नुकसान पहुंचा रही है छोटे छोटे पार्टिकल्स पैदा कर रही है और उसे अगर हम सांस के थ्रू इनहेल कर ले रहे अंदर लेके जा रहे हैं तो वो हमें और डिसीज भी फैला रही है ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में निकल के आ रहे हैं ठीक है उससे और साथ ही साथ पोल्यूशन भी कॉज करती है प्लास्टिक को प्लास्टिक को तो बिल्कुल जला नहीं चाहिए ठीक है वो क्या करती है और ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती क्लियर है चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डी ठीक है क्लियर है चलिए अगला अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन फिजिकल फैक्टर कैटेगरी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम ठीक है मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों के भौतिक कारकों की श्रेणी में आता है एबायोटिक अभौतिक अजैविक मतलब नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है जीव जीवित नहीं है जीव नहीं है ठीक है जीव नहीं है उसमें कौन सा आता है हमारे पास वाटर डीकंपोजर ह्यूमिडिटी या प्रोटीन तो क्या आता है हमारे पास पानी और पानी इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है अजैविक ह्यूमिडिटी क्या चीज है इसका सही ऑप्शन ह्यूमिडिटी नमी ये कौन सा अजैविक घटक क्या है आर्द्रता नमी क्लियर है चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास yeah. क्या है व्हाट इज द पीएच ऑफ माउथ व्हेन टू डिके स्टार्ट्स दांत छह के प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच कितना होता है चलो बताओ किसी के दांत वात तो हुआ ऐसा कुछ क्या होता है दांत का छह होता है तो पीएच आपके दांत का जब छह हुआ है तो पीएच पता है किसी को क्या होता है हमारे पास पीएच सिक्स से ज्यादा आप लोगों को पता है पीएच क्या होता है पीएच पीएच हमें बताता है किसी भी चीज का हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितना है और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का होगा होगा वो उतना ज्यादा क्या एसिडिक और जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेसिक मतलब अगर आपने टेबल देखी होगी टोटल कितनी होती है सात तक होती है तो जो ज्यादा इस साइड आएगा वो क्या होगा एसिड जो इस साइड आएगा वो क्या होगा क्या होगा, क्या होगा बेस ठीक है महेश कुमार बोल रहे फाइव पॉइंट फाइव ठीक है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी लोअर देन फाइव पॉइंट फाइव क्लियर है फाइव पॉइंट फाइव से कम क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास इनटेक ऑफ किडनी को इसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए किसके विटामिन के फैट्स के कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोटीन के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें किस चीज में क्या करना चाहिए कंट्रोल करना चाहिए बताइए तो हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए तो प्रोटीन को कंट्रोल करना चाहिए क्लियर है क्या कंट्रोल करना चाहिए प्रोटीन चलिए आगे बढ़ते हैं अमंग द द फॉलोइंग इज मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ मोशन निम्न में से कौन सा गति का सबसे सरल प्रकार है गति का सबसे सरल प्रकार ठीक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में मोशन करना क्या है सबसे सिंपल है सेकेंड है प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है थर्ड है मोशन इन स्पेस अंतरिक्ष में और है मोशन इन प्लेन मैदान में गति तो सबसे सिंपल क्या है सबसे सिंपल क्या है हमारे पास ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन ठीक है सबसे सिंपल फॉलोइंग सिंपल टाइप ऑफ मोशन कैसा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ईयर हैज बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन बाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ द्वारा किस वर्ष को है? अंतरराष्ट्रीय तो स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया है 2008, 2010, 2014, 2015. बताइए सही ऑप्शन इसका क्या है 2008 क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ हमारे पास द मेन एलिमेंट यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ ये वल्कनीकरण में प्रयुक्त किया गया तत्व है सबसे पहले पता होना चाहिए वल्कनाइजेशन क्या होता है हमारे पास वल्कनाइजेशन में क्या होता है हम लोग रबर को क्या करते हैं और ज़्यादा और ज़्यादा ट्रीटमेंट देके उसकी इलास्टिसिटी को क्या करते हैं बढ़ाते हैं इलास्टिसिटी बढ़ाना मतलब उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा मजबूती देते हैं तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट है वो कौन सा यूज़ होता है सल्फर वेरी गुड सही ऑप्शन क्या है सल्फर जो एलिमेंट यूज होता है वो क्या है हमारे पास सल्फर क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्गनाइजेशन क्यों यूज होता है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना इलास्टिसिटी मतलब हम उसको इतना खींचे कि वो बिना टूटे क्या हो इलास्टिक होता जाए खींचते चले जाए ठीक है और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें पानी का कितना प्रतिशत होता है कितना होता है नब्बे प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है नब्बे प्रतिशत क्लियर है कितना प्रतिशत नब्बे प्रतिशत चलिए क्लियर है तो यही था हमारे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्लियर है चलिए पढ़ते रहिए सत्तर नहीं नाइन्टी ठीक है तो पढ़िए आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए अपने आप को सुरक्षित रखिए अभी क्या है बारिश का मौसम तो है तो अपना थोड़ा ख्याल रखिए ठीक है और बिल्कुल आप लगे रहिए इस तरीके से मेहनत करते रहिए आपकी सफलता तक हम आप लोगों के साथ हैं ठीक है थीके? बिल्कुल ओके थैंक यू थैंक यू, यू सो मच